खगड़िया में अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में दुल्हन के द्वारा फायरिंग मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने दुल्हन नरगिस रजा सहित उसके इंजीनियर पति मोहम्मद आसिफ रजा रशीद और दुल्हन के भाई मोहम्मद राजा के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए तीनों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मामले में जिले के भरतखंड OP थाना में पदस्थापित ASI परमेश्वर प्रसाद के आवेदन पर भरतखंड थाने में तीनों लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया कि बीते 10 मई की रात परबत्ता प्रखंड के भरतखंड OP थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम टोला भरतखंड में मोहम्मद शहजादा के पुत्र मोहम्मद आशिफ रजा रसीद की शादी के बाद आयोजित भोज सह रिसेप्शन पार्टी के दौरान भागलपुर जिले के नारायणपुर के बलहा गांव निवासी मोहम्मद नवाब खान उर्फ नवाबुल खान की पुत्री सह नवेली दुल्हन नरगिस रजा ने एक अपने रिश्ते के भाई नारायणपुर के बलहा गांव निवासी मोहम्मद वजाहत के साथ हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो की जांच कर फायरिंग करने वालों की पहचान की गई। वहीं इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी दुल्हन दूल्हा और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चलें कि अमूमन शादियों में हर्ष फायरिंग आम बात है, मगर रिसेप्शन पार्टी पर दूल्हा दुल्हन के द्वारा बड़े आग्रह शस्त्र से भरी महफिल में धनाधन हर्ष फायरिंग करने का मामला अनोखा है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद उक्त बंदूकबाज दुल्हन की हर तरफ चर्चा होती रही। वहीं बंदूकबाज दुल्हन की फायरिंग वाली खबर मीडिया में भी प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए SP ने कार्रवाई के आवश्यक निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की है।